सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना टीडीपी को महंगा पड़ा। आखिर अविश्वास प्रस्ताव पर टीडीपी में किसने और क्यों की बगावत? आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई बना चुके टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना महंगा पड़ गया। 16 लोकसभा सांसदों वाली टीडीपी के कई नेता सरकार के खिलाफ लाए गए इस प्रस्ताव के खिलाफ बताए जा रहे हैं। एक सांसद ने तो बाकायदा बगावत का बिगुल फूंक दिया है। दरअसल टीडीपी सांसद जेसी दिवाकर रेड्डी ने अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली बहस और वोटिंग से दूर रहने का ऐलान किया है। मोदी सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव से दूरी बनाते हुए टीडीपी सांसद ने कहा कि वे संसद के सत्र में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप इसे पार्टी व्हिप का उल्लंघन कह सकते हैं, लेकिन मैं केंद्र और अपनी टीडीपी सरकार से ऊब चुका हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि वे पूरे राजनीतिक सिस्टम से ऊब चुके हैं। उधर अपने सांसद के बगावती रुख को देखते हुए टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अपने सभी सांसदों को एक पत्र लिखा है। अपने पत्र में नायडू ने अपने सभी सांसदों से अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सदन में मौजूद रहने और वोटिंग करने के लिए कहा है। नायडू ने लिखा है कि बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के बर्ताव के खिलाफ टीडीपी दोबारा अविश्वास प्रस्ताव ला रही है। लोकसभा स्पीकर ने उनके प्रस्ताव को मंजूर करते हुए इस पर चर्चा और वोटिंग का दिन तय कर दिया है। ऐसे में सभी सांसदों से अपील है कि वे इस बहस में हिस्सा लें और टीडीपी का समर्थन करते हुए वोटिंग करें। इतना ही नहीं, नायडू ने अन्य सांसदों से भी अविश्वास प्रस्ताव के दौरान होने वाली बहस में हिस्सा लेने की अपील की है, लेकिन उनके इस प्रस्ताव के खिलाफ अपने ही घर से सुर बुलंद होने लगे हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अविश्वास प्रस्ताव लाना नायडू के लिए महंगा सौदा साबित हुआ। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।